नमस्कार आप सभी का स्वागत करते हैं हम सी आई टी एन सी आर टी के इस लाइव इंटरेक्टिव सेशन में मैं हूं सुषमा शर्मा आपके साथ और इस वक्त आप हमें देख रहे हैं एन सी आर टी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर इसके अलावा एन सी आर टी पी एम ई विद्या क्लास नंबर फाइव पर और पी एम ई विद्या चैनल नंबर फाइव पर ये सभी माध्यम हैं जहां आप हमसे सीधे तौर पर जुड़ सकते हैं और इतना ही नहीं आप हमें कॉल भी कर सकते हैं हमारा नंबर है डबल एट डबल जीरो डबल फोर जीरो डबल फाइव नाइन मेल भी कर सकते हैं मेल आईडी है हमारा डी टी एच डॉट क्लास फाइव एट द रेट सी आई टी डॉट एन आई सी डॉट आई एन और एन सी आर टी का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है वहाँ पर आप लाइव चैटबॉक्स में जा सकते हैं वहाँ पर कोई भी कमेंट कर सकते हैं आज के विषय से जुड़ा हुआ आज है हिंदी का विषय और अध्याय संख्या चौदह है और उसका नाम आया है बाघ आया उस रात ये है आज का शीर्षक और क्या है बाघ की कहानी ये कविता है इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे और उससे पहले बताऊं कि इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया हुआ है हमारी एक्सपर्ट को उनका परिचय करा देती हूँ हमारे साथ हैं सुश्री अदिबा खानम जी नमस्कार जी बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद जी अदीबा खानम जी हैं टीजीटी ती टी हिंदी और सर्वोदय कन्या विद्यालय पंचशील पार्क नई दिल्ली में है और अदीबा मैम आपको आज बताएंगी इस कविता के बारे में कि बाघ आया उस रात बाघों की जहां तक हम बात करते हैं तो सभी जानते हैं पांचवी जमात के हमारे बच्चे हैं पांचवी कक्षा के ये बच्चे हैं और सभी जानते हैं कि बाघ क्या होता है शेर क्या होता है तेंदुआ क्या है तो ये जो प्रजाति है ये कहीं ना कहीं बिल्ली और बाघ और शेर ये सब एक ही प्रजाति के मतलब एक ही परिवार के जानवर कहलाते हैं और हम गाँव की अगर बात करें तो वहाँ भी कहते हैं कि रात में यहाँ पर बाघ आता है कुछ ऐसी ही कविता होने वाली है और बाघ जो हमारा जो कहलाता है कि नेशनल एनिमल भी यही कहलाता है हमारा जैसे कह कि राष्ट्रीय पशु हमारा यही है तो बहुत सारी जानकारी के लिए हम शुरुआत करते हैं आज के सत्र की जी मैम क्या बताएंगे आज कविता में Uh, जी मैम जैसा कि आपने कहा कि आज इस कविता का शीर्षक है बाघ आया उस, उस रात तो हमने अक्सर कुछ कहानियाँ सुनी होंगी गाँव में या जहाँ पे बहुत सारे खेत होते हैं या आस पास झाड़ियाँ पहाड़ हैं तो वहाँ अक्सर ये कहानियाँ हम सुनते हैं एक दूसरे को लोग बताते हैं कि एक बार बाघ आ गया था लोग खेत में काम कर रहे थे वहाँ उसने किसी को आ, किसी का शिकार कर लिया या किसी से लड़ लिया या किसी ने खूब अपनी जाबाज़ी दिखाकर बाघ को हरा दिया छोटे छोटे गाँव में ऐसी कथाएं बड़ी प्रचलित हैं कि किसी का कुत्ता उठा आ, के ले गया exactly। और रात को आया गाय ले गया, ले गया। मतलब ऐसी छोटे छोटे जानवरों को लेके चले जाते हैं तो एक ऐसी ही कहानी का जिक्र यहाँ पे कुछ बच्चे आपस में कर रहे हैं और वो बच्चे अपने बाबा को भी बताते चलते हैं पिक के बाघ कब आया था और हम अक्सर देखते हैं कि ऐसी कहानियाँ बच्चों में बड़ी मशहूर होती हैं कि बाघ आ गया था चीता आ गया था गीदड़ आ गया था या फिर भेड़िया आ गया था कई सारे जानवर होते हैं जो कई बार जो इंसानी रिहायश रिहायश होती है जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ पर घुस आते हैं गलती से हालाँकि जानवर भी उनसे डरते हैं लेकिन तो ये सब जो चीज़ें हैं यही आज हम इस कविता में पढ़ेंगे चलिए देखते हैं क्या है कविता जी वो इधर से निकला उधर चला गया वो इधर से निकला उधर चला गया वो आंखें फैलाकर बतला रहा था वो आंखें फैलाकर बतला रहा था हाँ बाबा हाँ बाबा बाघ आया उस रात आप रात को बाहर ना निकलो जाने का बाघ फिर से आ जाए हाँ बाबा बाघ आया उस रात आप रात को बाहर ना निकलो जाने कब बाघ फिर से आ जाए हाँ वो ही वो ही 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 वो ही जो उस झरने के पास रहता है वो जो उस झरने के पास रहता है वहां अपन दिन के वक्त गए थे ना एक रोज बाघ उधर ही तो रहता है बाबा बाबा उसके दो बच्चे हैं बाबा उसके दो बच्चे हैं बाघिन सारा दिन पहरा देती है बाघ या तो सोता है या बच्चों से खेलता है बाघ या तो सोता है या बच्चों से खेलता है दूसरा बालक बोला बाघ कहीं काम नहीं करता बाघ कहीं काम नहीं करता न किसी दफ्तर में न कॉलेज में छोटू बोला स्कूल में भी नहीं छोटू बोला स्कूल में भी नहीं पाँच साल बेटू ने पाँच साल बेटू ने हमें फिर से आगाह किया अब रात को बाहर होकर बाथरूम न जाना है ना तो ये कविता थी ये कविता आ, हमें हमने पूरी कविता पढ़ी हमने देखा कि आपस में कुछ बच्चे हैं जो इस बारे में जिक्र कर रहे हैं कि एक रोज़ क्या आया था बाघ आया था और बाघ के साथ जो जो घटनाएं हुई जो जो उन बच्चों के मन में जो जो उस बच्चों उन बच्चों के मन में एक परेशानी चल रही थी उस बाघ को लेके एक अचंभा चल रहा था एक आश्चर्य चल रहा था वो आश्चर्य कैसे वो बताते हैं इस कविता में वही आश्चर्य की बात की गई है जब बच्चे छोटे बात करते हैं बाघ या किसी जानवर के बारे में तो वो सिर्फ डरते नहीं हैं हमने अक्सर देखा है बहुत छोटे बच्चे तो किसी भी जानवर से नहीं डरते अगर आप उनके मन में किसी का भय पैदा ना करो कि इस चीज़ के पास जाना है इस चीज़ के पास नहीं जाना तो वो चले जाता है अक्सर हमने देखा होगा कि वो आग से भी खेलने लगते हैं फिर जब जल जाते हैं तब पता चलता है उन्हें कि ये छूने लायक चीज़ नहीं है लेकिन ये बच्चे थोड़े से बड़े हैं और ये आ, डर भी रहे हैं इन्हें डर है बाघ का इनके मन में ये बात बैठा दी गई है कि बाघ तो खूंखार होता है वो तो बहुत बड़ा जानवर होता है तो चलिए इस कविता के भावार्थ को आगे हम पढ़ते हैं एक बार फिर से देखते हैं वो इधर से निकला उधर चला गया वो आंखें फैलाकर बतला रहा था हाँ बाबा बाघ आया उस रात हाँ बाबा बाघ आया उस रात आप रात को बाहर ना निकलो जाने कब बाघ फिर से आ जाए तो कविता के इस भाग में कवि क्या कहते हैं कि एक छोटा बच्चा जो है वो क्या बता रहा है बाघ के विषय में बता रहा है बाघ के विषय में वो क्या बता रहा है कि एक रात को बाघ उधर से निकल इधर से निकलकर उधर की ओर चला गया था यानी उस 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 एरिया में 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 वो बच्चा रहता है गांव या उस शहर घूम रहा था कभी कभी बाग शहरों में भी आते हैं घरों में भी घुस आते हैं तो कह रहे हैं कि इधर से निकला और उधर चला गया वह अपने बाबा को कहता है अब देखिए बाबा यहाँ कोई भी हो सकते हैं कई बार किसी किसी जगह पर बाबा पिताजी को कहा जाता है और कई बार बाबा दादाजी को भी कहा जाता है तो यहाँ ये बच्चे अपने पिता या दादाजी को संबोधित कर रहा है ये बच्चा कि आप बाहर मत निकलना अब देखिए छोटा सा बच्चा बड़े इंसान को समझा रहा है क्या बाहर ना निकलिएगा कहीं बाहर निकलने से आपको बाघ ना दिख जाए और ये तो खूकार चीज़ है ना बाघ को हमें बाघ का सामना ना हो यही अच्छा है वरना ये एक डर होता है कि बाघ कहीं आपको उठा के ना ले जाए बाघ कहीं आपको कोई नुकसान ना पहुंचा दे तो इस तरह की जो भी चीज है वो बाघ की बात यहाँ पे हो रही है कि उस रात आप अगर बाघ आ ही गया है अब आसपास बाघ का जो डर है वो फैला हुआ है तो हम बाहर ना निकलें इसी में हमारी अच्छाई है या यही सावधानी हमें बरतनी चाहिए बिल्कुल आपने सही कहा मैम क्योंकि ये सिर्फ बच्चों की बात नहीं है बल्कि गांव में अभी भी ऐस, ऐसे बहुत हमारे देही इलाके हैं जहां पर बाघ का जो आतंक कहा गया है और तेंदुए का आतंक है या फिर भेड़िए का आतंक है अभी भी बहुत दूर देही इलाके ऐसे हैं जहां जो शाम होते ही अंधेरा होने से पहले ही वहाँ पर सब लोग अपने अपने घरों में मतलब सोने की तैयारी कर लेते हैं और दरवाजे अच्छे से बंद कर लेते हैं क्योंकि कुछ इलाके अभी भी ऐसे हैं हमारे देश के जहाँ पर जंगल जो है वो आसपास घिरा हुआ है वहां घर ऐसे हैं कि जंगलों से घिरे हुए हैं अब शिकार तो उनका करें क्योंकि भाई हमारे देश की ये भी संपदा है जानवरों का शिकार नहीं करें तो ये भी एक हिदायत दी जाती है और अपने आप को सुरक्षित रखने की भी हिदायतें दी जाती है वो कि छोटे बच्चे, जो दस साल जो बच्चे होते हैं है कि आंखें निकाल निकाल के बताते हाँ हाँ मैं बाघ आता है तो वो जो स्टोरी को भावार्थ जो बहुत खूबसूरत तरीके से यहाँ पर दिखा हाँ हाँ बाघ आता है रात को आता है तो आंखें फैलाना उनके आश्चर्य को आश्चर्य को दर्शाता है कि कैसे आश्चर्य हो रहा है उन बच्चों को डर और आश्चर्य का खुला मिला कुछ उनके चेहरे पर भाव आ रहा हाँ है तो तो वो यहाँ पे यही बतला रहा है बच्चा और वो ये बढ़िया बात है कि बड़े अक्सर बच्चों को समझाते हैं कि क्या करना चाहिए लेकिन यहाँ बच्चे हैं जो बड़ों को समझा रहे हैं कि आपको बाघ से बच के रहना चाहिए रात को बाहर नहीं निकलना चाहिए तो आगे देखिए वो क्या कहते हैं बाघ के बारे में अः हाँ वो ही वो ही जो उस झरने के पास रहता है अब देखिए यहाँ पे उस बाघ की जो रिहाइश है वो कहाँ रहता है उसका घर कहाँ है कई बार कुछ जानवर ऐसा तो नहीं है कि वो कहीं भी रहते हैं कुछ उनकी मस, मन पसंदीदा स्पॉट्स होते हैं जगह होते हैं जहाँ वो उन अपने वहाँ पे रहते हैं तो वो कह रहे हैं कि वहाँ पे वो झरने के पास रहता है जहाँ पर हम एक दिन दिन के वक्त गए थे देखिए रात के वक्त तो वहाँ नहीं जाया जा सकता क्योंकि वो जंगल है झरना है वहाँ बाघ भी रहता है तो जहाँ हम दिन में झरने के पास गए थे वहीं पर उसका घर है और उधर ही अब देखिए यहाँ पे इन्होंने एक शब्द लिखा है अपन अपन दिन की ओर गए थे तो ये जो अपन शब्द है ये बोला जाता है कहीं मध्य प्रदेश महाराष्ट्र हाँ, के महाराष्ट्र के एरिया में हाँ। तो जो नागार्जुन कवि थे वो मध्य uh, प्रदेश और यहीं के थे तो उनको uh, उनकी भाषा में उनकी कविता में ये शब्द आना लाजमी था hmm. जब हम कहते हैं हम लोग गए थे hmm. वहां कहा जाता है अपन गए थे hmm. अपन सब लोगों को मतलब more तो than one person. हाँ, एक hmm. एक इंसान से अगर ज्यादा hmm. की बात हो तो अपन गए थे जी. तो ये देखिये ये भी एक भाषा की सुंदरता है हमें ये जी. भी देखते चलना अपनत्व और आत्मीयता भी दिखाते हैं जी कि हम किस वक्त पे किस तरह जैसे पूरा देश है इस देश की अलग अलग भाषाएं हैं तो कविता में अलग अलग भाषाएं क्यों नहीं आएंगी नहीं। वहां पे भी आएंगी तो यही बात जो है ये आ, कविता में ये शब्द दिखला रहा है देखिए आगे वो क्या कहते हैं कि बाघ उधर रहता है और उसके कितने बच्चे हैं उसके दो, दो बच्चे हैं और वहां पे बाघिन जो है पहरा देती है Hmm. बाघिन जो बाघ जो मादा बाघ होते हैं वो बाघिन जो है वो वहां पे पहरा देती रहती है और पहरा क्यों देती है जब छोटा सा कोई भी बच्चा होता है चाहे वो किसी भी जानवर का हो उस जानवर को ये डर लगा रहता है कि उसके बच्चों को कोई नुकसान ना पहुंचाए और जब बागिन जो है उसके बच्चे होते हैं तो वो और खूंखार हो जाती है उसे लगता है उसके बच्चों को कोई छुए तक ना उसको कोई नुकसान ना पहुंचाए इस वजह से वो और खूंखार हो जाती है और लगातार उनका ध्यान रखती है तो यहाँ पे भी देखिए जो बागिन है वो अपने बच्चों का ध्यान रखती है और जो बाघ है वो तो सोता है या बच्चों से खेलता है ये देखिए बच्चों को पता चल रहा है कि यहाँ बाघ कुछ नहीं करता पहरा भी बाघ ही नहीं दे रही है बाघ तो पूरे दिन सोता है या फिर बच्चों से खेलता है तो यहाँ हमें सोचने की बात है कि बाघ आखिर करता क्या है अगर पूरे दिन वो कुछ नहीं करता तो इसके बाद दूसरा बालक बोलता है कि हाँ बाघ तो कहीं काम ही नहीं करता ना तो किसी दफ्तर में ना कॉलेज में तो फिर छोटू बोला स्कूल में भी नहीं अब देखिए ना वो दफ्तर जाता है बाघ पूरे दिन ना कॉलेज जाता है और ना ही स्कूल जाता है हमें हाँ पता है बाघों का कोई स्कूल नहीं होता है। कभी कभी हमने उन्हें जू में जरूर देखा है चिड़ियाघर में लेकिन वहां भी हम उन्हें सुस्ताते सोते बोर होते देखते हैं लेकिन अग... सर्कस में जब एनिमल्स या पशु वो जा, जानवर जाते हैं तो उनको वहां पे ट्रेनिंग दी जाती है वहां ट्रेनिंग वहाँ दी जाती, जाती है शिक्षण के जरिए वो बहुत कुछ सीख जाते हैं जी लेकिन सर्कस जो है गैर कानूनी है अब क्योंकि सर्कस का जो उद्देश्य होता है वो जानवरों को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है अब तो उसका चलन धीरे धीरे खत्म हो ही गया है गया है और है और क्योंकि सर्कस जो वो जानवरों को को अपने आजादी वातावरण हाँ, से अपने नेचर से दूर कर देता है अपनी प्रकृति से दूर कर देता है उन्हें ट्रेन करना होता है ट्रेन करने से क्या होता है कि वो जो जानवर है कोई भी जानवर आजाद ही रहना पसंद करता है उनका जो जगह है रहने की वहाँ से अगर उसे हटा दिया जाए जैसे हम चिड़ियों को पिंजरों में डालते हैं अगर हम उनके अपने ने, ने, नेचुरल जगह से उन्हें हटा दें तो उनको बहुत दुख होता है और ये अमानवीय है ये गलत है पशुओं के साथ ऐसा करना जो बोल नहीं सकते ये गलत है इसीलिए इस पर एक तरह का बैन है इस पर रोक है हम ऐसा अब सर्कस इसीलिए हम हमें नहीं दिखती है ना चलिए इस कविता में अंत की ओर थोड़ा सा देख लेते हैं फिर पाँच साल के बेटू ने फिर से कहा कि रात को बाथरूम मत जाना तो पाँच साल का बेटू जो है वो बार बार अब देखिए तीनों ही बच्चे हैं जो और एक बाबा हैं इन तीनों बच्चों में आपस में बात हो रही है और ये तीनों ही बच्चे हैं जो बड़े डरे हुए भी हैं और आश्चर्य में भी हैं कि देखिए रात को वहाँ मत जाना बाहर बाथरूम मत जाना तो गांव के एरिया में हम तो अब शहरों में रहते हैं तो शहरों में जो बाथरूम है या वॉशरूम हैं वो अंदर होते हैं घर के कंस्ट्रक्टेड होते हैं बिल्डिंग हाँ, में होते हैं ज्यादातर तो हम, हम लोग, तो लोग अभी भी दिल्ली शहर की बात करें तो अभी भी लोग गाँव से ही यहाँ पर यहाँ पर बसे हुए अपने काम के सिलसिले में तो देखिये अब हमें जब भी हम जाते हैं या हम हमें अपने बचपन याद होगा तो हमें ऐसा लगता है अरे बाहर कैसे जाए बाहर जाने में तो एक अजीब सा डर लगता है ना कि बाहर कहीं आ, कोई जानवर ना आ जाए और हो ना हो तो भूत प्रेत ना आ जाए जब हम छोटे होते हैं तो हमें तमाम चीज़ों से डर लगता है तो ये जो बाघ वाली बाघ वाला वाक़ है ये तो आ, मैंने देखा है क्योंकि मैं मैं पहाड़ों से हूँ और पहाड़ों पर बाघ शे बाघ आते हैं शेर तो उधर नहीं होते बाघ चीता तेंदुए ये ज़रूर आते हैं तो बाहर ही वॉशरूम है तो जब छोटे हुआ करते थे तब ऐसा लगता था कि बाहर निकले तो निकले कैसे डर लगता था बहुत ज्यादा ये कई बार प्रचलित हो जाता था कि रात को बड़ी बदबू आ रही थी तो जरूर आसपास बाघ घूम रहा होगा तो बाघ के आसपास होने से अगर आप बाहर निकले रात को तो ये भी प्रचलित होता है ये भी बात फैलती है कि जहां बदबू आए बहुत ज्यादा स्मेल आए तो वहां बाघ की होने की संभावना होती है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बाघ जो है वो शिकार करता है अब शिकार करके धो पोछ के तो वो खाता नहीं है वो तो जैसा का तैसा खा लेता है तो जो मांस है या जो आ, खून है उससे एक अजीब सी स्मेल आती है आफ्टर पॉइंट है ना एक वक्त के बाद तो इसीलिए बाघ के शरीर से भी थोड़ी सी स्मेल आती है क्योंकि वो ऐसे कच्चा मांस ही खाता है तो उसके आसपास होने से एक ये एक क्लू है एक आपको इशारा होता है कि हो सकता है बाघ आसपास हो क्योंकि जब वो शिकार भी करता है किसी अन्य जानवर का तो जब उसको शिकार करते समय भी उसकी बॉडी में खून लग जाता है उसका मांस तो वो नहाते तो है नहीं तो फिर वो बदबू धीरे धीरे होती होती रहती रहती है है उसमें इकट्ठी हाँ तो, तो इसीलिए गांव में ना ये सब पहचानने के बड़े अलग अलग बड़े अजीब से तरीके हैं हाँ। लेकिन ये काम जरूर करते हैं और कई बार अगर आ जाए तो लोगों को पता है कि इनको भगाना कैसे है तो लोग क्या करते हैं जानते हैं लोग कि उन्हें मारने से तो कोई फायदा नहीं गांव के लोग या आसपास जहां खेत हो जहां प्रकृति हो वहां के लोगों के अंदर इनका इनके स्वीकार्यता भी बहुत होती है वो जानते हैं कि ये हमारे ही दुनिया में बसने वाले प्राणी हैं इन्हें मारना या ख़त्म करना नहीं चाहिए ये गलत है कई बार वो क्या करते हैं वो रोशनी दिखाते हैं उन्हें आग दिखाते हैं टॉर्च दिखाते हैं ये सब दिखाकर उनको भगाया जा सकता है क्योंकि जो जानवर है जंगली जानवर है वो अंधेरे में रहता है रात को और दिन में भी जंगल घने जंगलों में रहता है तो जब रात को अचानक से उसके सामने रोशनी आती है तो वो डरते हैं उससे उन्हें लगता है कि कुछ अनयूजल है कुछ लोग हैं जो हमारा नुकसान कर सकते हैं ऐसा नहीं है कि हम ही जानवरों से डरते हैं जानवर भी हमसे डरते हैं उन्हें भी लगता है ये तो हमारे भाई हमारी प्रजाति के जीव तो है नहीं ये कौन है ये कुछ अलग है या हमारा नुकसान कर सकते हैं और देखा जाए तो सच में इंसानों ने नुकसान किया भी है बहुत सारा इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे तो इस प्रकार ये जो कविता है ये जो बाघ की कविता है और बाघ के बारे में पूरा बताती है बाघ जो जो बच्चे हैं वो बाघ को किस तरह से उसके बारे में सोच रहे हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं उसके बारे में हमें बताती है आप लोग ये कविता फिर से पढ़िएगा आगे हम इसके कुछ छोटे छोटे शब्द हैं जिनका अर्थ समझेंगे और उनके वाक्य में भी प्रयोग करने के बारे में उसको मैं आपको बताती हूँ कर सकते हैं तो देखिए इसमें शब्द आया है बतलाना आमतौर तो पर हम कहते हैं बताना लेकिन यहाँ कहा गया है बतलाना बतलाने का अर्थ होता है कहना कि हमें कोई कुछ बता रहा है या कोई कुछ कह रहा है तो बतलाना ये भी एक तरह से क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव है हम जिस जगह से आते हैं कई बार हम उस भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो बतलाना भी उसी भाषा का प्रभाव है कवि की भाषा में तो यहाँ पे जो वाक्य में प्रयोग है वो है दादी हम सब को एक कहानी बतलाती हैं। तो देखिए कई बार हम कह सकते हैं एक कहानी सुनाती हैं या दादी कहानी कह रही थी ये भी कहा जा सकता है और यहाँ पे ये भी वाक्य सही है कि दादी हमें कहानी बतलाती हैं। अगला देखिए वक्त वक्त हम सबको पता है समय की बात हो रही है वक्त जो है थोड़ा सा उर्दू 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 अल्फाज अल्फाज उन्होंने का इस्तेमाल किया है राइटर है राइटर ने जिन्होंने कविता लिखी बिल्कुल और वाक्य जो बनाया है उसमें भी कीमती जब उन्होंने लिखा है वो भी उर्दू बहुत कीमती होता है ये भी उर्दू का शब्द है बिल्कुल इसके बाद है दफ्तर दफ्तर हम सबको पता है ऑफिस ये भी उर्दू का ही है भी उर्दू का दफ्तर उर्दू का शब्द है कार्यालय कहा जाता है बिल्कुल सही कहा कार्यालय कहा जाता है और देखिए ऑफिस भी अंग्रेजी भी इस्तेमाल है ऑफिस पापा दफ्तर जा रहे हैं हाँ। ऐसे ही एक और शब्द है आगाह करना इसका भी ये भी ये भी उर्दू है शब्द है और ये सावधान करना मतलब एक, वो उसको आगाह करता है कि अरे नहीं रात को मत जाइएगा तो ये भी सावधान करना यानी बाघ के बारे में सभी को आगाह कर दिया गया था तो यहाँ पे इस तरह से ये शब्द भी उर्दू का है और देखिए ये सुंदरता है हिंदी में उर्दू के कई सारे शब्द हमें मिलते हैं जी अब देखिए आपके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी है बच्चों यहाँ तीन तरह के जानवर अलग अलग दिख रहे हैं इसमें से आपको बाघ को पहचानना है तो आ, क्या मैम आप मेरी मदद करेंगी बाघ को पहचान आपको क्या लग रहा है कौन सा वाला नंबर पर है बाघ जो आराम से रिलैक्स कर रहा है जिसपे धारिया है जी और दूसरे नंबर पे कौन है मैम ये दूसरा वाला है चीता ची, चीता है हमी चीता पह, है कैसे पहचानेंगे हाँ। हम इसे पहचानेंगे इस पे छोटे-छोटे डॉट्स होते हैं हां ठीक है हाँ। इसके नेक्स्ट है तेंदुआ हम्म तेंदुआ जो है ये हमें लग सकता है चीते जैसा ही लेकिन आप इसके जो डॉट्स हैं अगर वो उनको देखें तो हमें हम पाएंगे कि इस पे थोड़े से ऐसे देखिए आपको अभी थोड़ा सा दिखेगा ये ये हाँ। इस पे जो है वो एकदम से येलोइश बीच ये फूल जैसे बने हैं थोड़े से गोलाई कम लिए हुए हैं फूल जैसे फूल जैसे बने हुए तो इ... इसीलिए इसको गुलदार भी कहा जाता हाँ। है ठीक है गुल गुल मतलब फूल फूल जिसपे गुल बने हो फूल बने हुए हो फूल जैसे बने नेक्स्ट चलते हैं और ये आया हमारा बाघ देखिए यहाँ बाघ के बारे में मैं थोड़ा सा आपके पास जानकारी लेके आई हूँ तो जो बाघ है उसे हम संस्कृत में व्याघ्र भी कहते हैं और ये एक मांसाहारी पशु है और ये अपनी प्रजाति में देखो ये बिल्ली की प्रजाति का होता है जैसा कि आपने कहा था और सबसे बड़ा ताकतवर जानवर है ये बहुत सारी जगहों पर पाया जाता है लेकिन सबसे ज्यादा जो पाया जाता है ये पाया जाता है भारत में पूरी दुनिया में लगभग छह हजार बाघ है और उसमें से चार हजार तो भारत में ही पाए जाते हैं और इसीलिए बंगाल टाइगर या बंगाल टाइगर को या बाघ को क्या कहा जाता है हमारे राष्ट्रीय पशु भी माना गया है और इसकी देखिए कितना बड़ा होता है तेरह फीट लंबा और तीन सौ तक किलो का होता है बहुत होते हैं तीन सौ किलो बहुत ही ज्यादा है, हैवी और बड़ा होता है इसका सर इतना बड़ा होता है बहुत ज्यादा तो भारत में बाघों की जो जनसंख्या है वो घट रही है इसीलिए भारत में एक प्रोजेक्ट टाइगर नाम से यानी बाघ परियोजना शुरू की गई और अब तक इस परियोजना के तहत लगभग 27 आरक्षित क्षेत्रों की स्थापना की गई है अब देखिए बच्चों को आरक्षित क्षेत्र समझाना बहुत जरूरी है आरक्षित क्षेत्र वो होते हैं जहां टाइगर है, रिजर्व जो होते हैं तो टाइगर रिजर्व इसलिए हमें हम, हम बनाए गए कि जहाँ पे बाघ आराम से रह सके उन्हें कोई मारे ना शिकार ना करे हैबिटेट होता है हैबिटेट होता है उनका वहां पे वो आराम से रहेंगे उनको कोई देखिये पहाड़ों पर ऐसे बहुत सारे जगह पे ये हैबिटेट है और वहां पर अक्सर कहा जाता है कि इस वक्त के बाद आप बाहर ना निकले क्योंकि यहाँ बाघ घूमते दिख सकते हैं तो ये उनकी उनकी रिहाइश जगह है आप उसमें आए हैं जी उनकी गलती नहीं है अगर कुछ भी करते हैं तो आपकी गलती होगी उनकी नहीं होगी क्योंकि आप क्योंकि इस दुनिया में इंसानों इन, इन, के साथ साथ जानवरों की भी तो जगह है ना तो ये हैबिटेट जो है वो इसीलिए बनाए जाते हैं ठीक है चलिए अंत की ओर अब एक एक जो सवाल था वो सवाल था कि बाघ दिन भर करता क्या होगा आखिर तो यहाँ देखिए बाघ अगर उसका पेट भरा हो तो वो अक्सर सोते हैं आराम करते पाए जाते हैं अगर पेट ना भरा हो तो वो शिकार करते हैं और शिकार उनका काफी वक्त ले जाता है क्योंकि बाघ जो है बहुत ही धीरज से शिकार करते हैं बहुत तेज़ रफ्तार में दौड़ते हैं लेकिन अगर भारी भरकम शरीर है ना क्योंकि तो जल्दी थक भी जाते हैं तो लंबी दूरी तक पीछा नहीं कर पाते उनका क्योंकि उनके बस की बात होती नहीं है वह छिपकर शिकार के बहुत निकट तक पहुंचते हैं फिर एकदम से उसके ऊपर कूद पड़ते हैं तो सोते हैं या शिकार करते हैं और शिकार भी इस तरह से करते हैं और अब बच्चों के लिए आखिर में कुछ कार्य भी है कि आपको पता करना है बच्चों के अंतर्राष्ट्रीय बाघ बाघ दिवस कब मनाते हैं तो ये हमें जरूर मेल करके भेजिएगा और आज जो हमारी कविता थी जिसे बहुत अच्छे से आपने व्याख्या की और चित्रों के माध्यम से भी पहचान कराने की कोशिश की कि क्या है इसमें तस्वीर कौन सी है बाकी तो अदीबा मैम आप आए इसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के थैंक यू सो मच थैंक यू और अब बच्चों से भी कहेंगे कि इस प्रश्न का जवाब जरूर दें और फिलहाल मैं आपको बताती हूँ कि आने वाले जो हमारे कार्यक्रम हैं वो कौन कौन से होंगे तो ये है हमारे आने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा अब से थोड़ी ही देर में यानी तीन बजे हम लेकर आएंगे विज्ञान का विषय होगा माइंडफुल ईटिंग अ पाथ टू अ हेल्दी बॉडी और साढ़े तीन बजे होगा मैथमेटिक्स का फ्रैक्शंस पार्ट फाइव चार बजे हमारा समय रहता है ट्रेनिंग सेशन का और प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत आज हमारा आ, जो विषय रहेगा सोशल मीडिया ख़तरों की पहचान और समाधान और आखिर में पाँच बजे का समय रहेगा हमारा सहयोग का क्योंकि मनोदर्पण का ये कार्यक्रम है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ये कार्यक्रम है तो और माइंडफुल ईटिंग की बात नहीं होती यहाँ पर बात होती है मेंटल वेलबींग well की भी तो इस कार्यक्रम को ज़रूर आप देखिएगा जिसका टॉपिक रहेगा नेविगेटिंग इमोशंस नेगेटिव इमोशंस तो ये सब चीज़ें आज के हमारे कार्यक्रमों की रूपरेखा है और उम्मीद करती हूँ कि इस कार्यक्रम में आप ज़रूर शामिल होंगे फिलहाल मैं सुषमा अपनी पूरी टीम के साथ लेती हूँ अनुमति खुश रहें मुस्कुराते रहें नमस्कार